ताइवान से ट्रेन हादसे की सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। यहां पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा ट्रेन हादसा हुआ और 17 लोगों की जान चली गई, जबकि 127 लोग जख्मी हो गए। घटना इलान काउंटी में रविवार दोपहर हुई, जब ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आखिर इस ट्रेन के डिब्बे किस तरह पलटे हुए हैं। कई डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे, जबकि कई डिब्बे इस हादसे में पूरी तरह पिचक गए। तस्वीरों में प्यूमा एक्सप्रेस ट्रेन पटरियों पर आधी तिरछी पड़ी दिख रही है। रेल प्रशासन ने बताया कि शिनमा स्टेशन पर ट्रेन की 8 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस ट्रेन में 366 लोग सवार थे।